भाई हाइट है मेरी 6'1" भाई की हाइट है 6'2" दीपक भाई है शायद से जिन लोगों ने गेमिंग वाली वीडियो देखी उनको पता होगा बट इतनी हाइट हाइट की जो मैं बातें कर रहा हूँ ना वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो है हाइट बढ़ाने के ऊपर बट ये वीडियो में स्पेशल ये चीज है कि भाई 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 अपना पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरा दे दो एक बार तो मृदुल भाई ने नाम तो बता ही दिया दीपक नाम को बता देता हूँ कि मैं आई एम अ फिटनेस एजुकेटर और मैं पर्सनल ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से और आज उसी की नॉलेज की मदद से हम आपके साथ दोबारा आए हैं आपकी मदद करने इसका ये मतलब है कि भाई आज जो हम बातें करने वाले ना इसके पीछे लॉजिक है लॉजिक के पीछे रिसर्च हो रखी है लोगों ने ना अपने बाल सफेद करवाए और अगर मैं आपको ये टॉपिक के ऊपर बात करने वाला ना कि हाइट कैसे बढ़ानी है किस तरह बढ़ानी है क्या क्या चीजें करना है तो ये वीडियो आपके जेन्युइन बहुत काम के इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स बिल्कुल बिल्कुल इतना तो बनता है और सब्सक्राइब कर लो अगर नए भाई सब्सक्राइबर हो और बेल आइकन दबा के ना ऑल पे क्लिक कर देना वहां पे भाई थोड़ा यूट्यूब खेलता है बट भाई आप मेरे को एक चीज ये बताओ क्योंकि ना मेरे को बहुत से ऐसे 20-23-24 साल के भी लड़के लड़कियां भी अप्रोच करी हैं कि क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है इसका क्या आंसर है मतलब कैसे बता सकते हैं कुछ देखो एज का चक्कर तो छोड़ दो अगर आपको पता करना है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है नहीं बहुत सिंपल चीज है आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा एक्सरे में आप चाहो तो डॉक्टर को दिखा सकते हो वहां पे एपिफिजियल एक ग्रोथ प्लेट होती है तो अगर वो ओपन है तो जरूर आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस अभी पूरे के पूरे है बट किसका एक्सरे करूंगी टांग की हड्डी बिल्कुल नहीं आप कर सकते हो टिबिया बोन का जो आपकी शिन बोन होती है या फीमर बोन का भी कर सकते हो बट अगर आपको ये पता लग रहा है कि भाई वो ग्रोथ प्लेट्स बोलते हैं हाँ जी उनको ग्रोथ प्लेट्स वो ग्रोथ प्लेट्स नहीं है मतलब आपकी हाइट नहीं अगर बढ़ सकती तो भाई हार मानने की कोई बात नहीं हार मतलब दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है यार क्योंकि ना हाइट ही सब चीजें नहीं होती शाहरुख खान मेस्सी सचिन तेंदुलकर ये जो इतने बड़े बड़े नाम है ना इन्होंने हाइट नहीं देखी अपनी पर्सनालिटी नहीं रोक ली कि भाई अब तो कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं हुआ इन्होंने अपनी मेहनत करी अपने स्किल पे काम करा बट अगर जिनकी हाइट बढ़ सकते हो इनके लिए तो वीडियो है भाई तो हाइट अगर इंक्रीज करनी है सबसे पहले बॉडी में डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी नहीं समझ आ रहा भाई बताना जरा इनको देखो सिंपल सी चीज है आपको जब तक डिमांड क्रिएट नहीं करोगे तो अगर आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी कर दोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला बट इन्हें ये समझ नहीं आ रहा डिमांड किस चीज की डिमांड मतलब अच्छा क्या करें देखो हाइट बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको डिमांड क्रिएट करनी है एक्सरसाइज करके एग्जैक्टली एक्सरसाइज होनी चाहिए स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज जो कि सीधा का सीधा आपकी स्पाइन पे लोड डाले अच्छा 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 स्क्वाट्स डेडलिफ्ट स्नैच पावर क्लीन ये सारी की सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो आपकी बॉडी में स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी कि आपकी बॉडी को हाइट बढ़ाने की जरूरत है इसके अलावा स्प्रिंटिंग भी एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो कि उसके साथ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल है हाइट बढ़ाने के लिए समझ गया और अगर आपको वर्कआउट प्लान समझना है या कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं करूं मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी आपने नीचे कमेंट करो क्योंकि वो जो गेनिंग वाली वीडियो जिसके बारे में बात करी है ना भाई ऐसे इंसान है इतने हम्बल इंसान है टुच्चे से टुच्चा आपका क्वेश्चन का भी नीचे रिप्लाई मिलेगा पिछली वीडियो एक प्रूफ है ये वाली वीडियो में अगर आपको नहीं यकीन होता नीचे कमेंट करके आप खुद जान लो अब क्या रॉ मटेरियल बेसिकली बट एक अच्छा दिल पे हाथ रखे क्वेश्चन पूछूं आपसे ये न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स लेने जरूरी है क्या क्योंकि अपनी न्यूट्रिशन नहीं कंप्लीट हो रही है जो हाइट के लिए हम न्यूट्रिशन बताने जा रहे हैं देखो अब आपने दिल पे हाथ रखने वाली बात करी तो मैं आपसे एक आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बात बता दो कि आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से कितना खाना सही है अगर आप दूध लेते हो उसकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितना आपको दूध मिल रहा है ठीक है आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हो वो असली नहीं आ रहे तो क्या ऐसे में हाइट बढ़ेगी बिल्कुल तो अब आपको आंसर मिल ही गया उस चीज का देखो रिसर्च ये हुआ था कि जो एक बहुत टाइम पहले रिसर्च हुआ कि कुछ बच्चे मेल न्यूट्रिशन वाले थे ऑर्फन थे जिनको खाना ठीक से नहीं मिलता था अच्छा। तो जब उन्हें एक अच्छी डाइट दी गई अच्छी न्यूट्रिशन रिच डाइट दी गई तो उनकी हाइट बढ़ी थी तो डेफिनेटली प्रूफ तो है इसके अलावा डेनमार्क वर्ल्ड टॉलेस्ट कंट्री में गिना जाता है डेनमार्क को क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है तो सिंपल सी बात है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छा खाना ज्यादा पैसे मतलब लाइक नॉन वेजिटेरियन अच्छा मीट और ये वो तो अपने तो जो वेजिटेरियन है वो तो फिर से पिछड़ जाएंगे जैसे बॉडी बिल्डिंग में पिछड़ गए तो क्या सिस्टम है उनका वेजिटेरियन में क्या सीन नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा देखो अब आप आंख बंद कर लो एक सेकंड के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सही है हाँ अब आप आंख बंद कर लीजिए और कुछ नहीं करने वाले हो ठीक है अब आप अपने इमेजिन कीजिए एलिफेंट ठीक है जिराफ कैमल ठीक है गोरिल्ला ये चीजें क्या खा रहे हैं सभी
गोरिल्ला तो पत्तियां खा रहा है अभी पेड़ से, और जिराफ ऊपर के पेड़ से पत्तियां खा रहा है, और हाथी सूंड से घास तोड़ तोड़ के खा रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल जो आपने खाना आप आँख खोल लीजिए। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एनिमल्स की बात करने वाले हैं। इस पे रिसर्च हुआ कि दो ग्रुप्स बांटे गए, एक था लैक्टोवो वेजिटेरियन, मतलब कि जो ज्यादातर वेजिटेरियन थे और थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट और एग्स वगैरह भी कंज्यूम करते थे। अच्छा। दूसरी साइड वो बंदे थे जो कि मीट डेली खा रहे थे। तो जो आपके वेजिटेरियन वाले थे उनकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी थी। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाओगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आप वेजिटेरियन होके भी डेफिनेटली हाइट बढ़ा सकते हो, वो भी अच्छे से। मेरे को लगता है इसका ये मतलब है कि हमें कार्ब्स भी ज्यादा खानी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई अगर आप कीटो डाइट कर रहे हो ना, तो भाई ये चीज बाद में फैट लॉस पे भी कभी भी वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करके बता देना अगर चाहिए तो। बट कीटो डाइट मत करो, अभी कार्ब्स खाओ। अगर हाइट ग्रोथ करनी है तो कार्ब्स खाओ। बट कार्ब्स की अगर बात करो भाई, आपसे एक चीज पूछना था, इसमें प्रोटीन भी आएगा? बिल्कुल आएगा, प्रोटीन को छोड़ मत देना। अभी हमें पूरे दिन कार्ब्स ही नहीं खाने। अच्छा, इसका भी मैं रिसर्च आपको दे देता हूँ कि जापान में वर्ल्ड वॉर के बाद जब उन्हें फिश मिली, ठीक है, तो पूरे जापान कंट्री की जो एवरेज हाइट थी वो 3 इंच बढ़ गई। और 3 इंच के बाद पूरी रिसर्च है जापान, 3 इंच काफी है शायद, जो हमारे बढ़ाना चाह रहे होंगे बंदे उनके लिए 3 इंच भी काफी रहेगी। हाँ भाई, कोई अगर 5-6 है वो 5-9 हो गया, या फिर जो 5-9 है वो 6 फीट हो गया, मजा आ जाएगा। तो मेरे को लगता है जापान में उन्होंने मच्छी खाई, फिश खाई जैसे आपने बोला, तो फिश हम तो डेली नहीं, मैं जनरल नहीं खा पाऊंगा डेली, तो क्या करूं, डेली क्या खानी चाहिए? देखो, डेली से ही एक वर्ड याद आ गया, डेरी। ओ ठीक है, दूध। हमारे इंडिया में डेरी प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। ठीक है, आप दूध पीजिए, और दूध सिर्फ, मैं आपको ऐसे नहीं कि हम दूध बोल रहे हैं, दूध पे पूरा रिसर्च है। तो रिसर्च इस पे भी हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को दूध दिया गया था, ठीक है, और कुछ लोगों को जो अलग बेवरेजेस होती है जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, वही जो चोचले हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जो दूध पीने वाले बच्चे थे उनकी हाइट ज्यादा बढ़ी थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक मेरे को कुछ लोग कहते हैं ऊटनी का दूध जो कैमल मिल्क होता है, वो क्या अच्छा होता है? देखो, बिल्कुल अच्छा होता है आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आपको मिल रहा है जेन्युइन कहीं से तो आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन वगैरह मैंने ढूंढा था, नहीं, काफी ओके था, तो पाउडर फॉर्म में मिल रहा था क्या? देखो, पाउडर फॉर्म इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो उससे बेटर है अगर आपको कहीं से गाय का दूध ही मिल जाता है असली, तो वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। तो दूध के अंदर वो बॉर्नविटा कॉम्प्लेन हाइट बढ़ाने के लिए? देखो, वो तो बिना बात की बातें हैं, अगर आप नॉर्मली भी अपना दूध पी रहे हो वो सबसे बेस्ट है, उनमें भी आपको वही चीजें मिलने वाली है। मेजर चीज होती है भाई टाइम। वैसे सही बता रहा हूं तुम्हें, टाइम मतलब लाइक रात को पियो, और उसके पीछे जो लॉजिक है भाई बताओ एक बार। देखो, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो एक सबसे जो बड़ा हार्मोन है, सबसे बेनिफिशियल है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और वो आपको पता है जब आपकी एक अच्छी स्लीप होती है, ठीक है, आपकी डीप स्लीप होती है, वो तभी निकलता है ज्यादातर। तो जब आप दूध पीते हो रात को, आयुर्वेद ने इसलिए बोला है कि आप दूध रात को ही पीजिए ताकि आपकी अच्छी स्लीप हो, आपकी अच्छी रिकवरी हो, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकले। बट भाई इसमें ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें ना, मैं अपना ना एक प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ डैम गुड का, ये हाई ग्रोथ कैप्सूल्स हैं, ग्रो एंड ग्लो, लिशकोगे भी और ऊपर बढ़ोगे भी भाई। वो इसीलिए देखो यार, सीन क्या है कि इसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो, सारे नेचुरल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो भी हम अभी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ना, इसकी 2 कैप्सूल्स एक सुबह और एक रात को जिसे अपने दूध के साथ ले लिया, बहुत सही हो जाएगा भाई। मतलब नेचुरल लो 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 उसके साथ भाई, ये भाई मजा आ जाएगा आपको। और ये आप ले सकते हो www.mridulmadhuk.in पे। बाकी विटामिन डी, कैल्शियम और जिंक, इस पे भी रिसर्च है। अच्छा, कि काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए थे। आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, सही में मतलब इसमें ये मन बोलना नहीं बिल्कुल, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट डाल रहा है, बट ये हमारा ना आयुर्वेदिक डेली इनटेक है, डेली इनटेक जो आपकी काइंड ऑफ बैलेंस डाइट में होना चाहिए, इसमें हमने ये ध्यान रख के रखी है चीजें भाई। और मैं जेन्युइन रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों का वैसे कॉम्बो भी मिलता है, आप वो ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर। अगर बाय चांस कोई नहीं ले पाता, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए अफोर्ड कर पा रहा भाई, इतनी सस्ती हमने ये निकाली है, क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहा? चलो फिर भी अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उनके लिए बता देते हैं। आप मतलब भाई कोई जेन्युइन चीज ही मैं बेच रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं प्रॉफिट कुछ मिल रहा, मतलब हल्का फुल्का मिलता है, बट जेन्युइन होता है। देखो, पर कई लोग फिर भी चाहते हैं कि वो कुछ अगर सुनना चाह रहे तो उनके लिए बता देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो डाइट है ना, वो न्यूट्रिशन रिच बनानी है। एक छोटे से एग्जांपल लीजिए, अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में पोहा खाते हो तो उसमें थोड़े से पीनट ऐड कर लीजिए, कोई सब्जी है उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी ऐड कर लीजिए, अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हो उसकी जगह दाल चावल ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, ठीक है,
इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आलू की सब्जी बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा मेथी ऐड कर लीजिए, शिमला मिर्च ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपकी डाइट है जो ओवरऑल एक न्यूट्रिशन रिच हो जाएगी। नहीं ये तो बहुत सही है, मतलब लाइक ये तो अगर आपका वाला चीज और वो वाला सी मिलके हो जाए तो तहलका मच जाएगा। बिल्कुल। तो भाई वैसे तो देखो वीडियो में इतना ही था कि आप एक्सरसाइज डिमांड क्रिएट करो, उसके बाद फिर सप्लाई करो अच्छे न्यूट्रिशन से, क्योंकि अभी जो खा रहे हो वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है। यही वीडियो थी। अब आपका भाई हम चाहते हैं अच्छा प्यार मिले लाइक्स करके, क्योंकि अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर दें, जैसे मैंने बोला भाई सारे कमेंट के रिप्लाई करेंगे, तो भाई आप कमेंट करना और महीने महीने में एक्सपेक्ट मत करना कि रिजल्ट आ गया, थोड़ा टाइम दो, 3-4 महीने 6 महीने लो, तब देखोगे ना सिर्फ रिजल्ट। तो हम दोनों भाइयों को थैंक यू बोलोगे। चलो भाई तुम्हारा भाई चलता है। ओके थैंक यू।